नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राजस्थान की लोक परंपरा में अपना खास स्थान रखने वाला गणगौर का दो दिवसीय ऐतिहासिक मेला सीकर जिले के रानौली कस्बे में बड़ी धूमधाम से चल रहा है। अंचल में सर्वाधिक संख्या के साथ सबसे पुराना मेला यही है जो दो दिन तक रानौली नदी के बहाव क्षेत्र में भरता है। बुजुर्गों की माने तो करीब 250 वर्ष से भी अधिक समय से इसर गणगौर की सवारी निकलने की परंपरा चली आ रही है। रजवाड़ों के समय में राजा शंभू सिंह खंडेला रियासत से रिडवा की ढाणी आए थे, जो कालांतर में रानौली नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद राजा पृथ्वी सिंह का शासन शुरू हुआ। उस समय मीरता में गणगौर की प्रतिमाएं बनती थी, जिसे रानौली लेकर आए तब से गणगौर की शाही सवारी मुख्य गढ़ प्रांगण से नदी के पार्ट से होकर काली देह तक जाती है, जिसमें महिलाएं गणगौर के गीत गाती हुई पीछे चलती है। वर्तमान में मेले में नया रूप ले लिया है। लोक परंपरा के इस मेले में दूर दूर के दुकानदार अपनी रोजी रोटी की आस में 15 दिन पहले ही अपनी जगह सुनिश्चित कर लेते हैं। दर्शकों के अनुसार मेले में किसान उपयोगी सामग्री का भंडारण ज्यादा रहा और करीब 70,000 लोगों ने गणगौर मेले का लुत्फ उठाया। एक और जहां सुरक्षा के चलते पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस का भारी जाप्ता लगाया जाता है, वहीं अवैध गतिविधि और अपराधों की रोकथाम के लिए मेले में 16 सीसीटीवी कैमरे और 50 से अधिक पुलिस का जाप्ता मौजूद है, जिसकी रानौली थानाधिकारी कैलाश यादव और सीओ ग्रामीण विकास कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रानौली सरपंच ओंकार मल सैनी पंचायत की ओर से मेले में बिजली पानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।